मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। सभी डायरेक्ट लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। नमस्ते, मैं हूँ सुष्मिता और मेरे चैनल सुष्मिता स्टाइलिस पर आपका स्वागत है। जैसे हमारे शरीर को स्वस्थ और मजबूत रहने के लिए सही पोषण की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे बालों को शाइनी और सुंदर रहने के लिए सही न्यूट्रिशन चाहिए। कई बार हेयर ऑयल्स और मास्क लगाने के बावजूद भी बाल रूखे और बेजान ही रहते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि हेयर रूट्स और स्कैल्प तेल में मौजूद न्यूट्रिशन को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। इसके लिए जरूरी है कि सही टेक्निक से ऑयल मसाज और स्टीमिंग की जाए, जिससे बालों को सही न्यूट्रिशन मिले और उनका रूखापन और रफनेस खत्म हो। ऑयल मसाज के बाद हेयर स्टीमिंग करने से सिर की त्वचा में मौजूद रोम छिद्र यानी स्किन पोर्स खुल जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि घर पर ही पार्लर जैसी हेयर स्टीमिंग कैसे की जाए। तो आइए शुरू करते हैं। स्टीमिंग करने से पहले तेल से बालों की अच्छी तरीके से मसाज करना बेहद जरूरी है, क्योंकि स्टीमिंग के जरिए हम तेल में मौजूद न्यूट्रिशन को बालों तक पहुंचाएंगे। आप अपने बालों के प्रकार के अनुसार तेल चुन सकते हैं। मैं हमेशा आयुर्वेदिक चीजें ही अपने बालों के लिए इस्तेमाल करती हूं। अगर आप नहीं जानते तो मैं बताना चाहूंगी कि देसी प्याज जो कि लाल रंग का होता है बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसमें गंजेपन को खत्म करके नए बाल उगाने की शक्ति होती है। देसी प्याज से बनाए गए तेल के लगातार प्रयोग से बालों को घना और मजबूत बनाया जा सकता है। वैसे तो ऑनलाइन और स्टोर्स में प्याज के तेल के कई ब्रांड्स उपलब्ध हैं, पर इस समय मैं एक्टे ब्रांड का अनियन ऑयल अपने बालों में यूज कर रही हूँ। एक्टे अनियन ऑयल में देसी प्याज के साथ गुलाब, आंवला, ब्राह्मी और भृंगराज के गुण भी हैं, जो बालों को बढ़ाने के लिए हमेशा से जाने माने गए हैं। अनियन ऑयल बालों की कई कॉमन प्रॉब्लम्स जैसे बालों का गिरना, डैंड्रफ या रूसी का होना, पतले बालों की समस्या, गंजापन वगैरह में बहुत काम आता है। इस प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। इस ऑयल का रंग हल्का लाल सा है, जैसे कि देसी प्याज और गुलाब का होता है। इसकी खुशबू हालांकि हल्की है और प्याज जैसी बिल्कुल नहीं है। ऑयल मसाज करने से पहले बालों को ब्रश करके उन्हें ठीक से सुलझा लें, ताकि कोई गांठें ना रहें। अब छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हुए बालों की जड़ों में धीरे धीरे ऑयल लगाएं। अगर आप सारा दिन बाहर धूप, पोल्यूशन और गर्मी में रहते हैं या बहुत ज़्यादा केमिकल्स जैसे हेयर स्प्रे, हेयर स्टाइलिंग जेल्स, हेयर कलर वगैरह यूज़ करते हैं, तो हफ्ते में दो बार ऑयल मसाज और स्टीमिंग जरूर करें, जिससे बाल रूखे होकर टूटेंगे नहीं। अनियन ऑयल खास तौर पर नए बाल उगाने में सहायता करता है, क्योंकि प्याज में सल्फर नाम के पदार्थ की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और सल्फर बालों में रक्त का संचार बढ़ाकर हेयर फॉलिकल्स को नए बाल बनाने में मदद करता है। पूरी तरह सर में लग जाने के बाद धीरे धीरे उंगलियों की सहायता से मसाज करें। इससे न सिर्फ रक्त का संचार बढ़ेगा, बल्कि थकान, अनिद्रा और स्ट्रेस की समस्या कंट्रोल होगी। बालों के सिरों को कवर करना ना भूलें, क्योंकि यही हिस्से सबसे पहले रूखे होना शुरू करते हैं और उनमें गांठें बनती हैं। मैं ऑयलिंग करने के बाद बालों को ब्रश जरूर करती हूँ, जिससे ऑयल पूरी तरह से बालों में फैल जाता है। अब आता है स्टीमिंग करने का टाइम। घर पर हेयर स्टीमिंग आप दो तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका है हॉट टॉवल का इस्तेमाल। ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। एक बर्तन में गर्म पानी लें, उसमें एक टॉवल डालकर गर्म पानी एब्जॉर्ब होने दें। कुछ देर के बाद पानी निचोड़ दें। ये गर्म टॉवल बालों में अच्छी तरीके से लपेट दें, ताकि सारे बाल कवर हो जाएं। इस हॉट टॉवल को 10 मिनट तक बालों पर रहने दें। स्टीम से ऑयल का न्यूट्रिशन बालों में समा जाएगा। अगर ज़रूरत होती है तो हॉट टॉवल स्टीमिंग को 10-10 मिनट के लिए दो बार करें, खास तौर पर अगर आपके बाल लंबे हैं तो। दूसरा तरीका है स्टीमिंग कैप का इस्तेमाल करना। स्टीमिंग कैप आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगी। इसे बिना झंझट बालों की स्टीमिंग की जा सकती है। जो कैप मैं यूज़ करती हूँ
उसकी ऑनलाइन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रही हूँ। इसे ऑयल किए गए बालों में 15 मिनट लगाएं। उसके बाद हमेशा की तरह शैम्पू करें। सही तरह से स्टीम और ऑयल करने से बालों को भरपूर पोषण और मजबूती मिलती है, जिससे वो कम टूटते हैं और जल्दी बढ़ते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जरूर फॉलो करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। आपसे फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।